तो यहाँ पर मैं आपको गेम प्ले करके दिखाने वाला हूँ COD, मतलब कैश ऑन डिलीवरी नहीं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल की। तो ये बीटा में आ चुका है, तो यहाँ पर मैं रेडमी नोट 7 प्रो मैक्स का गेम प्ले करके दिखाने वाला हूँ। बताऊंगा कैसी ग्राफिक्स मिलते हैं, कैसे फ्रेम रेट्स मिलते हैं और कैसी क्वालिटी मिलती है। तो अगर आप भी जानना चाहते पूरी डिटेल्स, इस वीडियो के एंड तक देखते रहिए। तो मेरा नाम है कुलभूषण और आप देख रहे हैं केके वर्ड। तो यहाँ पर मैंने Redmi Note 7 Pro Max को इंस्टॉल कर लिया है। तो यहाँ पर फ्रंट पेज को जिस तरह का है, मैं सोच रहा हूँ यार इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ कि कैसे इस गेम को खेलते हैं, क्योंकि ये गेम काफ़ी मस्त है। तो मैं सोच रहा हूँ यार बना दूँ, तो अगर इस पर लाइक आ जाता है 2-3 हज़ार तो मैं वीडियो बना दूंगा एक दो दिन में। तो अभी मैं यहाँ पर गेम प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर Redmi Note 7 Pro में इंस्टॉल कर रखा, कोई मैंने अलग से कोई चीज़ नहीं करी, सिर्फ गेम को डाउनलोड कराया और डायरेक्टली इसको प्ले कराया। तो मैं आपको एक बार इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी दिखा देता हूँ। तो ग्राफिक्स क्वालिटी हाई कर रखी है, वेरी हाई कर रखी है, फ्रेम रेट भी हाई कर रखा है और डेप्थ ऑफ फील्ड भी इसकी ऑन कर रखे हैं। मतलब इसमें मैंने सब कुछ जो है वो हाई कर रखा है, मतलब हमें इसमें हाईएस्ट ग्राफिक्स और हाईएस्ट फ्रेम रेट मिलने के चांसेस हैं, मतलब क्वालिटी काफी गजब की मिलेगी। तो भाई हमने कर लिया, आप चेक करते हैं कैसी क्वालिटी मिल रही है। तो आप देख सकते हैं स्मूथनेस जो है वो काफी मस्त है, मतलब मैं काफी इंप्रेस्ड हुआ हूं। तो मैंने पबजी भी लगभग 1 साल पहले खेला था और अभी मैंने कुछ दिन पहले भी टेस्ट करने के लिए कुछ खेला था पबजी। तो मुझे 1 साल पहले तो मैं लगभग 1 महीने तक खेला हूं, तो गेमिंग वगैरह मैंने काफी अच्छी करी थी पबजी में। तो उसमें मुझे ऐसी क्वालिटी नहीं मिली थी जैसी इसमें मिल रही है। मतलब यहां पर जो खेलने का एक्सपीरियंस है वो काफी मस्त है। तो यहां पर फ्रेम रेट जो है वो काफ़ी हाई मिल रहा है मुझे, मतलब स्मूथनेस जो है वो काफ़ी हाई है और इसकी क्वालिटी जो है, इसकी ग्राफिक्स जो है वो काफ़ी मस्त है, मतलब कुछ कुछ रियल जैसा लगता है, मतलब इतना रियल भी नहीं लगता। लेकिन पबजी से कंपेयर करूं तो यहाँ पर मुझे ज़्यादा बेटर क्वालिटी मिल रही है और यहाँ पर मैंने ग्राफिक क्वालिटी भी हाई कर रखी है, ये काफ़ी अच्छी बात है। जो कि Redmi Note 7 Pro में हमें स्नैपड्रैगन 675 मिलता है, जो कि एक मिड रेंज प्रोसेसर है, मतलब मिड रेंज फोन्स के लिए प्रोसेसर बना हुआ है जिसमें हम हाइएस्ट क्वालिटी खेल सकते हैं। जबकि हमारा इस प्रोसेसर में फोर्टनाइट को भी अच्छे से सपोर्ट नहीं करता, इतनी अच्छी क्वालिटी और इतनी फ्रेम रेट्स नहीं मिलते हैं। और पबजी में भी हमें हाई क्वालिटी पर खेल सकते हैं, अल्ट्रा हाई या फिर अल्ट्रा HD वगैरह पर नहीं खेल सकते, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है बिना लैग के। तो मैंने इसमें काफ़ी गेम खेला है, इसमें लगभग 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा मैंने इसमें गेम प्ले करा है। तो यहाँ पर मुझे ना तो कोई लैग मिला है, ना ही कोई ज़्यादा हीटिंग इशू मिला है। हीटिंग इशू तो नहीं कहूँगा, मतलब हीट जो है वो नॉर्मल ही है, जितना आप गेम प्ले करते हैं Redmi Note 7 Pro में जैसी नॉर्मल हीट होती है उतना ही हीट हुआ है हमारा फ़ोन, इससे ज़्यादा हीट नहीं हुआ है। और फ्रेम ड्रॉप भी मुझे नहीं मिला है, मतलब फ्रेम रेट भी काफ़ी अच्छे मिला है। इन शॉर्ट कंक्लूजन बताऊं तो आप Redmi Note 7 Pro में ये गेम खेल सकते हैं। तो बस इस वीडियो में यही था, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो, कोई प्रॉब्लम या फिर सजेशन हो तो नीचे कमेंट कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ।